हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ राधिका पारस ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं शाम के 4 और अभी मैं चल रही हूँ जो अपना खाया पिया बर्तन है उसे साफ करने। फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हो? फ्रेंड सब ठीक बढ़िया? तो ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट बार मेरे ब्लॉग में आए हैं तो वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर कर दे और अच्छे से प्यारे से कमेंट भी करें। तो फ्रेंड, मैं चल रही हूँ फिलहाल बर्तन सफाई करने के लिए। आज फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, मैं काफ़ी नींद आती है फ्रेंड। हम थोड़ा हम दवा लेते हैं तो उस वजह से ना, हमें दवा की वजह से थोड़ी नींद आ जाती है तो हम सो जाते हैं। तो थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद ही जो है ना हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और ब्लॉग को प्लीज़ पूरा देखिएगा। तभी मैं चल रही हूँ अपना, थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा नहीं फ्रेंड, तो बस उसे सफाई करनी है। और इधर मैंने थोड़े मन से चना खाया था, ये देखिए, ये आया था मेरे मम्मी के यहाँ से चना। गांव सामने है तो कुछ कुछ सब्जियाँ आती रहती, उधर सब्जियाँ मूली और सीम ये भी खरीद के लाए थे और गांव से भी मम्मी भिजवा दी थी। और ये चना था जो हम खाते थे, वीडियो नहीं बनाए थे। तो मैं फिलहाल अभी चल रही हूँ बर्तन सफाई करने के लिए, तो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहे। तो फ्रेंड, मेरे बर्तन भी सफाया हो चुका है, थोड़ा सा बर्तन था तो मुझे साफ कर लिया। तो फ्रेंड, जो हम ये खाया था ना चना, तो उसी को हम अच्छे से रख दे रहे हैं ताकि ये जो गाय खा लेगी, नीचे जब गाय आती है ना उसी को ऊपर से गिरा देंगे ना तो वो सब खा लेते हैं। तो अच्छे से रख देते हैं, ये चना का झाड़ है, ये चने खा लिया, बाकी जो बचा हुआ है और कुछ मटर के छिलके हैं। अच्छे से रख देंगे तो ये खा लेंगे। और जो भी कुछ सब्जियां हैं जो इधर उधर है उसके एक साथ हम रख दे रहे हैं, कुछ एक जगह कुछ एक जगह हो गए तो ये ना इसको निकाल लेंगे साफ पूरे। और ये का जो है ना पकौड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। गोभी है रख देते, मुझे भी आया था घर से, उसको भी एक जगह रख देते। और आज मैं बनाने वाली हूँ मूली का पराठा। तो फ्रेंड, अभी नहीं बनेगी शाम को, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। गांव स्टाइल में आज मैं बनाऊंगी मूली का पराठा, तरह मम्मी बनाती है घर में। इतने सारे साग हुए उसको भी साइड में रख देंगे। अब मेरा सारा घर का काम खत्म हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा छत जाऊंगी टहलने के लिए। तो कौन कौन मेरे साथ छत चल रहे थे तो आप लोग चलिए मेरे साथ छत। और मेरे छत में और आज आप लोग हमने चलते नीचे का छत, यहाँ पे थोड़े से फ्लावर लगे हुए हैं तो उन सबको आप लोगों को दिखाना है। चलिए बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ छत पे और मैं चल रही हूँ नीचे का छत। आज जो नीचे वाले जो है ना, किसी को नहीं पता फ्रेंड कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। मेरे पड़ोसी को मैं पता ही नहीं है कि मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, तो शायद मैं वहाँ पे बोल ना पाऊँ। तो आप लोगों को ऐसे ही दिखाएंगे कुछ नीचे का फ्लावर्स। तो फिर बने रहिए फ्रेंड ब्लॉग में, तब मैं चल रही हूँ नीचे। और ये देखिए हरी हो गया है, क्या हुआ हरी? चलो नीचे का यहीं पर रहता है, बन चुका है। हम चल रहे उधर छत पे, आना है
ब्रेड आ चुके हैं नीचे से और अभी आ चुके हैं किचन में और ये आया अपना ड्यूटी से, तो हम सबसे पहले इनको बना दिए चाय। और इधर मेरा जो उबल रहा है इसमें हम डाल दिए हैं मूली आलू और गोभी फूल गोभी, उसको थोड़ा बॉईल कर लेंगे उसके बाद बनाएंगे उसका पराठा। उससे पहले हम पी ले रहे हैं थोड़ा सा चाय, ठंडी लगने लगी। अच्छा लगा चाय? तो ब्रेड मेरा उबल चुका था अच्छे से और इसमें हम ना सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं और इसमें हम डाल दिए बेसन और आटा और अपना जितना मसाला इसमें लगेगा वो मिर्च पूरे डाल दिए, मिक्स मसाला, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इस पर हम जाली भी डाल लेते हैं। तो ब्रेड हम अच्छे से मिला लिए, अच्छे से बन चुका है ये बहुत अच्छा सा और इसमें मेरा तवा गर्म हो चुका है, इसमें हम ऑयल डाल देंगे। मेरा गर्मा गर्म आलू गोभी मूली का पराठा हो रहा है फ्रेंड तैयार। तो मेरा बहुत अच्छे से पराठा देखिए ऊपर तरफ कितना अच्छा कलर आ रहा है फ्रेंड, खाने में काफी टेस्ट लगता है। और साइड साइड में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि अच्छे से पक जाएगा। पराठा हो गया तैयार। तो फ्रेंड मेरा पराठा हो चुका है तैयार और ये खाने के लिए हो चुके तैयार। कैसा लग रहा है? मजा। अच्छा लग रहा है? तो मेरा पराठा हो चुका है गर्मा गर्म आलू गोभी मूली का तैयार। आलू गोभी मूली पूरा टेस्टी पराठा होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगेगा जरूर बताइएगा कमेंट में। और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ और फुल वॉच जरूर करिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग को फिलहाल यहीं पे करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।